हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, आज हम एमपीजी के जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आज ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यह पार्ट वन है, अब हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सभी कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एमपीजी के जीके से क्वेश्चन हर एक कोर्स में पूछे जाते हैं, इसलिए सारे कोर्स के लिए ही उपयोगी क्वेश्चन है। खासकर बीए, बीएलएलबी इन कोर्स के लिए तो है ही, साथ में बीएससी, इनसे फार्मेसी, इन सभी के लिए भी, क्योंकि जीके सभी कोर्स में पूछा जाता है। तो एमपी जीके से क्वेश्चन आते हैं, एक दो एवरी ईयर आते हैं। तो आप ये सीरीज़ को देखें एंड इन क्वेश्चन को तैयार करें, जिससे फ्रेंड्स आप हर एक रास्ते जितने भी आपसे हो सके उतनी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कुछ भी नहीं छोड़िए, क्योंकि हारने का कोई ऑप्शन ही ना हो। आपके आपकी तैयारी, पेपर आपका कहीं से पूछ ले जाए, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको सोचना भी नहीं पड़े, आप क्वेश्चन को पढ़ें और टिक लगा सकें। आप कंफ्यूज भी ना हो कि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है, इस टाइम में आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ए 1954, बी 1955, सी 1956, डी 1959। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखें हम, सी 1956 इसका राइट आंसर है। हमारे मध्य प्रदेश का एकीकरण 1956 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है, यानी कि हमारा जो एमपी है वो कितने संभागों में बटा हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका हम ऑप्शन देखें, ए 12, बी 13, सी 14, डी 10। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखिए हम, राइट आंसर है फ्रेंड्स डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान है, यानी फ्रेंड्स जनसंख्या की दृष्टि से हमारी इंडिया में हमारी एमपी का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देखें, ए तीसरा, बी छठा, सी पांचवा, डी सातवा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी छठा। तो फ्रेंड, जनसंख्या की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का देश में छठवां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है ए नीम का वृक्ष, बी बरगद का वृक्ष, सी पीपल का वृक्ष, डी नारियल का वृक्ष। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष हमारा राजकीय वृक्ष है। फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय का मतलब होता है देश का, पूरे देश के लिए, ऑल इंडिया के लिए। फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीय नहीं है, आप यही बात भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है, राजकीय क्या है। तो फ्रेंड्स, राजकीय का मतलब होता है राज्य से रिलेटिव है, बस ये राज्य तक माना जाएगा। राष्ट्रीय जो होता है वो देश तक होता है, और अंतर्राष्ट्रीय जो होता है वो विदेशों में तक होता है। तो फ्रेंड्स, आप इन वर्डों को, क्योंकि फ्रेंड्स आप जितने ज़्यादा शब्दों को पकड़ना सीख जाएंगे कि हाँ ये क्या कह रहा, तो आप जल्दी जल्दी में भी कभी भी आंसर रॉन्ग नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है राजकीय वृक्ष में बरगद का वृक्ष जो है वो एमपी का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है? ऑप्शन है फ्रेंड ए सियार, बी गधा, सी हाथी, डी ब्रांडेरी बारहसिंघा। तो फ्रेंड्स, इसका हम राइट आंसर देखें डी ब्रांडेरी बारहसिंघा जो है वो एमपी का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड,
मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है? ऑप्शन है फ्रेंड 1 नवंबर, बी 1 दिसंबर, सी 1 जून, डी 2 जून। तो फ्रेंड्स हम इसका राइट आंसर देखें तो वो है 1 नवंबर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर। 1 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश की जो है वो स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स आप मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप से भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या। ऑप्शन है फ्रेंड ए 20, बी 25, सी 29, डी 30। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखें, सी 29 इसका राइट आंसर है। फ्रेंड जो लोकसभा है उस लोकसभा में मध्य प्रदेश के 29 सदस्य रहते हैं। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना, राज्यसभा अलग होती है, लोकसभा अलग होती है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन है ए 9, बी 11, सी 12, डी 15। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखें, बी 11 इसका राइट आंसर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है। फ्रेंड्स हम ये एमपी की ही बात कर रहे हैं क्योंकि एमपी में एक राज्य रहता है, एक राज्य है तो यहाँ भी एक गवर्नमेंट होती है फ्रेंड्स, इसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो वहाँ विधानसभा जो है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है फ्रेंड ए 215, बी 230, सी 250, डी 305। तो फ्रेंड्स इसका हम राइट आंसर देखें, बी 230। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, मध्य प्रदेश की राजधानी है। फ्रेंड्स एमपी की कैपिटल, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रखें मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो ऑप्शन है फ्रेंड आपके पास ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर, डी उज्जैन। तो फ्रेंड्स इसका हम राइट आंसर देखें, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और फ्रेंड्स इंडिया हमारी भारत की राजधानी क्या है? तो हमारी भारत की जो राजधानी वो नई दिल्ली है। आप कमेंट करके बताना मुझे, आपको यदि कोई और क्वेश्चन जीके का हो जो आपसे नहीं बन रहा हो तो आप कमेंट करें, हम उसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या है। ऑप्शन ए 50, बी 55, सी 60, डी 40। तो फ्रेंड इसका हम राइट आंसर देखें, ए 50 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या है। ऑप्शन है ए 230, बी 250, सी 303, डी 313। तो फ्रेंड्स इसका हम राइट आंसर देखें, 313 हमारे एमपी में विकास खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? फ्रेंड्स हमारे एमपी से जो फर्स्ट बार जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ यानी न्यूज़पेपर वो कौन सा था? तो ए आफ्ताब, बी सेवक महासंवाद, सी साप्ताहिक ग्वालियर अखबार, डी साप्ताहिक मालवा अखबार। तो फ्रेंड्स इसका हम राइट आंसर देखें, सी इसका राइट आंसर है फ्रेंड, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है फ्रेंड ए श्री प्रकाश चंद्र सेठी, बी श्री भगवंत राव मंडलोई, सी
श्री पट्टाभी सीतारमैया, डी श्री रविशंकर शुक्ला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखें हम, ए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए श्री प्रकाश चंद्र सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड, मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है फ्रेंड ए मुख्यमंत्री, बी योजना विभाग के सचिव, सी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, डी योजना मंत्री। तो फ्रेंड्स इसका हम राइट आंसर देखें ए मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में इतने ही, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड जीके के क्वेश्चन, एमपी जीके क्वेश्चन, इंडिया जीके क्वेश्चन, ये हर एक क्वेश्चन पेपर में आते हैं, हर एक कोर्स में आते हैं, तो आप ये तैयार करके रखें, क्योंकि फ्रेंड्स एक भी एक क्वेश्चन एक नंबर आपका एडमिशन दिला सकता है। एक क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है कट ऑफ में बॉस। तो फ्रेंड्स कट ऑफ में आपका एक नंबर बहुत मायने रखता है, इसीलिए आप एक भी नंबर नहीं छोड़ें। आप अपनी प्रिपरेशन हर एक तरह से करें, पेपर कैसा भी आए आप हर एक पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ बहुत अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए, हम आपकी प्रिपरेशन यहाँ यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से करवा रहे हैं, तो आप कीजिए। एंड फ्रेंड्स हम बस इतना ही चाहेंगे कि आप हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप प्रिपरेशन कैसी कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप हमें यदि कमेंट कर करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप कैसे प्रिपरेशन करवा रहे हैं, क्या आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छा लगेगा। एंड फ्रेंड्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, आप डेट रहते आप अपने फॉर्म भर पाएँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।